रेडियो खांची 90.4 एफएम पर प्रसारित किए जाने वाले विषय वस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुतकर्ता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्ञान एवं सकारात्मकता को आगे बढ़ाना। रेडियो खांची 90.4 एफएम हम सब का रेडियो पर आपका स्वागत है। मैं शशि मिश्रा फ्रॉम CPPS रांची यूनिवर्सिटी से। तो आज हम लोग रीजनिंग में चैप्टर्स स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस में ही आगे देखते हैं। तो विज्ञापन सूचना या विज्ञप्तियां एवं अपील पर जो आधारित प्रश्न होते हैं उसे हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो करंट में देखा गया है कि इस तरह का क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। विज्ञापन जो होता है एडवर्टाइजमेंट जनरली कंपनी द्वारा जारी किया जाता है, जबकि कोई आधिकारिक सूचनाएं कार्यालय में अधिकारियों द्वारा, अपील सरकार तथा सामाजिक संगठनों द्वारा तथा जनहित सूचनाएं एवं चेतावनियां सरकारी एवं अर्ध सरकारी संगठनों द्वारा जारी की जाती है। इन सभी के संदर्भ में निम्न प्रकार की पूर्व धारणाएं वैध मानी जाएंगी। तो किस तरह के अजम्पशन को है जो सही माना जाता है उसे हम लोग देखते हैं। अपील, नोटिस, अधिसूचनाएं, विज्ञापन इत्यादि कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य छोड़ते हैं, और इसलिए जो भी अपील होता है, नोटिस होता है, अधिसूचना होगा, विज्ञापन, इन सब पे आधारित जो होता है उसे हम लोग सही मानते हैं। किसी विज्ञापन के संदर्भ में जिस वस्तु अथवा उसकी किसी फीचर अर्थात उसके पक्ष के बारे में उल्लेख किया जा रहा है, सामान्यतः लोग उसे पसंद अथवा उसकी अपेक्षा करते हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि विज्ञापन में जिस तरह का चीज़ को एडवर्टाइजमेंट किया जाता है उसके क्वालिटी के, तो ये माना जाता है कि आम पब्लिक उस तरह के फीचर्स, उस तरह का जो क्वालिटी होता है उसे लोग पसंद करते हैं और उसे सही माना जाता है। जनहित सूचनाओं के संदर्भ में यह माना जाता है कि यह उन्हें जारी करने वाले पक्ष अथवा संगठन का कर्तव्य है। यानी किसी भी चीज़ से जो जनहित में कार्य हो और उससे जनता का फायदा हो, तो जो भी गवर्नमेंट बॉडी या कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर इस तरह का सूचना जारी करती है तो हम लोग ये समझते हैं कि ये उसका कर्तव्य है। जनहित सूचनाओं के संदर्भ में यह भी माना जाता है कि लोग उन सूचनाओं में बताए गए तथ्यों अथवा सुझावों से लाभान्वित होंगे तथा इसका अनुपालन न करना उनके लिए अलाभकारी या हानिकारक सिद्ध हो सकता है। किसी अपील के संदर्भ में यह माना जाता है कि उन्हें जारी करने का कारण विशेष वास्तव में मौजूद होता है। आप अपनी स्वाभाविक समझ का प्रयोग कर उस कारण को समझ सकते हैं। अर्थात जैसे अगर कोई गवर्नमेंट बॉडी इस चीज़ को अपील करती है कि कृपया पानी ज़्यादा खपत ना करें, पानी बचाएं, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि पानी का बचत करना क्या होगा, लाभकारी होगा, न करना क्या है, अलाभकारी, क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि पानी एक निश्चित मात्रा में है और उसे बर्बाद करना हमारे हित में नहीं है। किसी अधिसूचना अर्थात आधिकारिक नोटिस के संदर्भ में यह माना जाता है कि उसमें प्रदत्त सुझाव या आज्ञाओं का पालन उस संगठन विशेष के हित में होगा। कहने का अर्थ यह है कि अगर मान लिया जाए कि अगर यूनिवर्सिटी किसी भी तरह का कोई नोटिस जारी करती है, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि वो नोटिस जो होगा
वो हित में होगा यूनिवर्सिटीज के और छात्रों के। तो इस तरह का जो क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग उसके भाव को पढ़ करके समझते हैं और उसमें जो अंतर्निहित होता है, इम्प्लिसिट होता है, उसे हम लोग समझने के बाद उसका स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पक्ष को देखते हैं और उसे सही या गलत है जो हम लोग करते हैं। पहले भी बताया जा चुका है कि जनरली पॉजिटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव ही अजम्पशन होता है और जनरली नेगेटिव का नेगेटिव ही होता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि पॉजिटिव का जनरली नेगेटिव अजम्पशन नहीं होता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। स्टेटमेंट है, नॉलेज ग्रुप पब्लिकेशंस विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उत्तम एवं कम मूल्य की पुस्तकों के प्रकाशक। एक विज्ञापन, एक एडवर्टीजमेंट में इस तरह का दिया गया है। इसमें जो वैध अजम्पशन है वो क्या होगा, इस विज्ञापन का पाठक पर कुछ प्रभाव अवश्य पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बाकी कोई भी पब्लिकेशंस अच्छे या सस्ते बुक्स नहीं है जो निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस पब्लिकेशंस का नाम दिया गया है उस पब्लिकेशंस का भी प्रभाव लोगों पर इस एडवर्टीजमेंट के माध्यम से जरूर पड़ेगा। लोग कम मूल्य पर उत्तम पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं। अगर ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि लोग, ये नेचर है कि कम पैसे में लोग अच्छी चीज़ों को लेना चाहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक कंपनी द्वारा जारी कार्यालय अधिसूचना आगामी मास से कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए दैनिक रिपोर्ट देना अनिवार्य कर दिया गया है। वैध पूर्वधारणा, कर्मचारी इस नोटिस को पढ़ेंगे, बिल्कुल सही है। दूसरा, कर्मचारियों द्वारा अपने दैनिक क्रियाकलापों की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने से कंपनी को लाभ होगा। ये दोनों ही क्या है, सही है, क्योंकि कंपनी ने ऐसा अधिसूचना जारी किया है तो वो कंपनी अपने संगठन के लाभ के लिए ही इस तरह की अधिसूचना जारी किया है और इससे रिपोर्ट, प्रतिदिन के रिपोर्ट के कारण कंपनी को फायदा होना ही है। नेक्स्ट देखते हैं, भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए स्वेच्छा से दान दें। एक अपील किया गया है कि स्वेच्छा से दान दें। वैध पूर्व धारणा, इसका क्या क्या हो सकता है, इस अपील का लोगों पर कुछ असर अवश्य होगा, क्योंकि अगर अपील का असर, अगर हम लोग ये समझते हैं कि अगर अपील का असर नहीं होगा तो हम लोग उस अपील को करेंगे ही नहीं। निश्चित ही कहीं भूकंप त्रासदी हुई है और उसके शिकार लोगों की मदद की आवश्यकता है, मदद की आवश्यकता है, तभी ये कहा गया है कि स्वेच्छा से दान दें। नेक्स्ट देखते हैं, कृपया चलती ट्रेन के बाहर ना झांके या ना लटके एक ट्रेन के डिब्बे में लगी सूचना या अपील। अब इसका वैध पूर्व धारणा क्या हो सकता है, लोग इस अपील के प्रति आकर्षित होंगे, बिल्कुल सही, क्योंकि ये अपील किया गया है पब्लिक के लिए कि लोग इसे देखें, पढ़ें, अर्थात आकर्षित हों इसकी ओर। चलती ट्रेन से बाहर झांकना खतरनाक है, ये अपील में बताया गया है कि ना झांके, क्योंकि ये क्या है, खतरनाक है, इसी कारण से ऐसा अपील किया गया है। ऐसी सूचनाएं, अपीलें जारी करना रेल विभाग का कर्तव्य है, ये भी सही बात है कि रेल विभाग का ये कर्तव्य है कि वो लोगों को इस तरह की जानकारी साझा करे, इस तरह की सूचना दे, अपील करे कि लोग जो है वो चलती ट्रेन में बाहर झांकने का प्रयास ना करें। यदि आप चलती ट्रेन से बाहर नहीं झांकेंगे तो यह सुरक्षा की दृष्टि से आपके हित में होगा। ये भी हमारा क्या है, वैध पूर्व धारणा है कि अगर लोग चलती ट्रेन से बाहर नहीं झांकेंगे तो यह सुरक्षा की दृष्टि से लोगों के लिए फायदेमंद होता है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। स्टेटमेंट है, पैकिंग जरूरतों के लिए बहुपयोगी एल्युमिनियम का प्रयोग करें। एक विज्ञापन, एक एडवर्टीजमेंट दिया गया है। अब यहाँ पे
जो हमारा अजम्पशन है कि एल्यूमिनियम पैकिंग कार्य हेतु एकमात्र उपलब्ध विकल्प है, ये हमारा अवैध पूर्व धारणा है। क्योंकि स्टेटमेंट ऐसा कहा गया है कि अगर आपको पैकिंग करना है तो उसके लिए बहुपयोगी एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ये पूर्व धारणा जो दिया गया है कि एकमात्र, तो ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया है स्टेटमेंट में कि यही एकमात्र उपलब्ध पदार्थ है जिससे कि पैकिंग किया जा सकता है।